हेलो एवरीवन, दिस इज योर विजय निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग T4 तांडव द रियलिटी शो। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जज रोहित अमेरिया सर। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इतना अच्छा हमें रतलाम में रिस्पांस मिला है, जहाँ आपने इतने सारे स्टूडेंट देखे जिन्होंने अपना टैलेंट यहाँ स्टेज पे आके आपके सामने दिखा, कितना अच्छा लगा ये रतलाम के ऑडिशंस कंप्लीट हुआ इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ देखकर? सबसे पहले तो हमारे जो ऑडिशन थे ना, मतलब सुबह से लेके मतलब रात तक चले, इतना खतरनाक रिस्पांस था ना, इतने सारे लोगों ने ऑडिशंस दिए और मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे बेचारे रह भी गए थे जो ऑडिशन नहीं दे पाए। तो मैं उन्हें बोलूँगा कि वो लोग हमारा जो नेक्स्ट ऑडिशन है 29 को धार में, तो वो लोग वहाँ पर आके ऑडिशंस दे सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि कैसा रिस्पांस था, कैसा टैलेंट था, तो टैलेंट वॉज अमेजिंग। मतलब इतने नई नई चीज़ें देखने को मिली, मतलब बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिले कि लोगों ने इस बार क्या करा है, डांसिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर दिए। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी क्या होता है, प्योर क्लासिकल होता है, क्लासिकल में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हिप हॉप होता है, कंटेम्प्रेरी होता है और बॉलीवुड होता है, जैज़ होता है। तो लोगों ने इस बार क्या करा कि खुद की चीज़ें कुछ नई क्रिएट करी, जैसे कि बॉलीवुड में थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी डाल के कुछ नया मिक्स कर दिया उन्होंने, तो वो कुछ नया स्टाइल उभर के आया। कुछ जैसे हिप हॉप प्लस बॉलीवुड मिक्स कर दिया किसी ने क्लासिकल के साथ रोबोटिक्स मिक्स कर दिया। तो ये जो मिक्सिंग था ना, ये देखने में काफ़ी मज़ा आया और कुछ नया देखने को मिला। बिल्कुल। स्टूडेंट का सर जोश कैसा था? मतलब मैं वहाँ पर बात करूँ तो इतने सारे स्टूडेंट थे, रात तक रुके भी, सभी ने अपना टैलेंट दर्शाया। सर, क्या जैसे आपने कहा कि नई नई चीज़ें भी स्टूडेंट ने इन्वेंट किए, तो कितना ज़्यादा जोश है सर स्टूडेंट्स के अंदर? इवन इफ वी टॉक अबाउट कोरोना लॉकडाउन, तो इतने टाइम से सभी लोग एक स्टेज के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमें फाइनली कब स्टेज मिलेगा, और फाइनली यहाँ तांडव में हम देख रहे हैं सभी को एक स्टेज मिल रहा है, तो कितने ज़्यादा जोश में कि हाँ फाइनली इतने टाइम के बाद हमें स्टेज मिला, तो कितना अच्छा प्रदर्शन आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से और कितनी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही है? सही बोला आपने कि कोरोना, मतलब 3 साल से सबको कोरोना ने बहुत परेशान कर रखा था और सब लोग घर में, इवन मैं खुद भी मतलब घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और एक जो आर्टिस्ट होता है, डांसर होता है, वो प्लेटफॉर्म का भूखा होता है। लाइक बोलते हैं ना कि उसको जब तक मंच नहीं मिलेगा ना, वो तड़पता है उस चीज़ के लिए। तो अभी जो 3 साल का लोगों का वेटिंग पीरियड था ना, तो वो सब दिख रहा है अभी ऑडिशंस में कि लोग इतने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना तांडव में, और सब लोग ऐसे लग रहे हैं बहुत एक्साइटेड है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ना आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से मुझे कुछ चीज़ याद आई कि हमारे जो लास्ट ईयर के विनर्स थे, जो हमारे तांडव में जो जीते थे, जो फाइनल में गए थे, जो बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्म किया है, इस बार हम लोगों ने उन्हें मौका दिया है कि वो लोग सिटी ऑडिशंस में एज अ जज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत प्राउड की बात है कि तांडव, मतलब तांडव से आप लोग पार्टिसिपेट तो करते हो एज अ कंटेस्टेंट, और तांडव ही आपको एज अ जज भी रिप्रेजेंट कर देता है, तो ये बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल। इट मीन्स ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी स्टूडेंट अपने लिए वर्क तो करते हैं, वहाँ के अपना एक स्टेज तो लेते हैं, बट जब वो स्टेज कंप्लीट हो जाता है, जब नए सीजन आते हैं, तो उन्हें भी एक मौका मिलता है कि वो एज एन जज खुद को प्रमोट कर पाएं, बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें रहती है जो स्टूडेंट सीखते हैं। मेरी भी सेम स्टोरी है। मतलब मैं भी एज अ कंटेस्टेंट ही आया था तांडव में। मैं अपनी स्टूडेंट को लाया था, मुस्कान शर्मा को, और मुस्कान शर्मा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जो जजेस थे फर्स्ट सीजन के, उनको काफ़ी पसंद आया था और हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी बहुत पसंद आया। तो उन्होंने पूछा कि इसको कोरियोग्राफ किसने किया है, तब मेरा नाम आया। और फिर देखो नेक्स्ट ईयर के बाद सीजन 2 सीजन 3, और अब सीजन 4 में देखो सामने जज आपके। रिश्ता जो सीजन फर्स्ट में कायम हुआ था, वो अभी तक चले आ रहा है। तो सर, मतलब मैं कहूँ कि आपने सारे सीजन यहाँ पर देखे, T1 में आपने कहा कि आपके स्टूडेंट्स भी थे, T2 के साथ जो है आपका एक रिश्ता बन गया था, धीरे धीरे जो जर्नी स्टार्ट हुई, सर हर साल कितनी नई चीज़ें देखने को मिलती है? मतलब जब भी ये सीजन चेंज होता है, तो क्या क्या नई चीज़ें जो आपके लिए सामने आती है? सीजन जैसे जैसे चेंज होता है ना, तो मुझे लेवल बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्या होता है कि जैसे पहले 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, 5G चल रहा है। तो डांस में भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि पहले जो लेवल था ना, वो हर साल हमें लेवल इतना हार्ड दिख रहा है ना कि कुछ बोल ही नहीं सकते कि यार अब क्या आएगा उसके लिए, तो कुछ बोल नहीं सकते, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि अब क्या हो। बिल्कुल। यहाँ पर बात करें, एक ऑडिशन कंप्लीट हो चुका है सर, अब क्या एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज एक ऑडिशन कंप्लीट करने का हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है जो हाई हो जाती है, सो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले जो हमारे इंदौर में होने वाले हैं, धार में ऑडिशन होने वाले, तो उनके लिए सर क्या एक्सपेक्टेशन है?
मैं देखो अभी रतलाम में जो देखकर आया हूँ ना, तो मुझे इतने खतरनाक परफॉर्मर्स मिले हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन धार से भी है कि वहाँ भी मतलब उसी लेवल के परफॉर्मर हो, और होप कि उससे बेस्ट कुछ निकल के आ जाए वहाँ से। बिल्कुल। और बस बिल्कुल सर, यहाँ आप डांस के गुरु हैं, तो मैं कहना चाहूँगा डांसर्स को कुछ आप टिप देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर मैनी पीपल जो अभी यहाँ पर अपने ऑडिशंस देंगे, अभी अपने ऑडिशन कंडक्ट करेंगे और वो ये वीडियो शायद देख रहे हो, तो उनके लिए एक प्रो एडवाइस, कोई टिप जो आपकी तरफ से यहाँ आपको लगता है सभी स्टूडेंट्स को जानी चाहिए। देखो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि कुछ क्रिएटिव करो। डांसर तो हर कोई है, मतलब डांसर तो जैसे जितने भी परफॉर्मर आएंगे वहाँ ऑडिशन देने के लिए वो सभी डांसर है। डांसर है इसीलिए ऑडिशन देने आ रहे हैं, पर आप उनमें से सिलेक्ट क्यों हो गए उसके मैं पॉइंट्स बताता हूँ। देखो अगर मतलब एक कॉमन सा एक उदाहरण है, 10 लोग ने ऑडिशन दिया जस्ट भी, और 9 लोगों ने वाइट टी शर्ट पहनी है और एक ने रेड पहनी है, तो रेड अलग ही हाईलाइट होता है। तो सेम एज आपको कोरियोग्राफी वैसी ही करनी है कि जो बाकी लोगों से डिफरेंट दिखे, क्रिएटिव दिखे, जो हमें ऐसा लगे कि यार ये सबसे अलग है और वो ही आगे जाएगा। सर यहाँ पर हम बात करें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की, अभी तक हम देखें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किसी भी शो को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। यहाँ हम देखें सभी स्टूडेंट्स को जो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से। तो सर उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, जहाँ वो हमारे शो को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और सभी जो स्टूडेंट हैं उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े विद देयर सर्टिफिकेट, सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, मैंने जब मैं एक बार घर में कॉमेडी विद कपिल देख रहा था, तब मैंने वहाँ देखा कि वही सेम अवार्ड कपिल शर्मा को दिया जा रहा है। तो आप सोचो कपिल शर्मा को वो अवार्ड मिल रहा है और वही सेम अवार्ड जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलेगा तो कितनी प्राउड की बात है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का जुड़ने से हमारे शो में भी 4 चांद लग गए। बिल्कुल। अब यहाँ पर सर तांडव की हम बात करते हैं, तांडव द रियलिटी शो, जहाँ पर हम सारे सीजन लेके आ रहे हैं, T4 लेके आ रहे हैं। सर स्टूडेंट्स को क्या क्या इसके बारे में, शो के बारे में बताना चाहते हैं? दे आर मैनी पीपल जो शायद हमारा ये जो शो है वो डायरेक्टली देख रहे हो, तो उनके लिए अगर आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें तांडव का तो किस तरह से देना चाहेंगे? तांडव मैं बोलूँगा कि ये जो भी टैलेंट होता है ना उसको बहुत ही अच्छे से पॉलिश करके ना आगे बढ़ाता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप दिनेश परियार सर के स्टूडेंट्स देखोगे, अभी गंगूबाई में एक लड़की थी जो मेन, आपने स्टार्टिंग में एक सीन देखा होगा जिसमें ओपनिंग होते ही एक लड़की को कमरे में बंद करते हैं, छोटी सी बच्ची है, वो हमारे दिनेश सर की स्टूडेंट है और वो हमारे तांडव की पार्टिसिपेट रह चुकी है। तो आज देखो कहाँ पे, गंगूबाई मूवी में काम कर रही है। फिर उसी तरह बात करेंगे तो हम पैडमैन मूवी में भी बहुत सारे बच्चों ने काम करा है, और अगर अपन डांस की बात करेंगे तो मेरे खुद की स्टूडेंट भी तांडव की विनर थी मुस्कान शर्मा, और आज इंडिया की फर्स्ट रोबोट गर्ल के नाम से पॉपुलर है और सुपर डांसर चैप्टर 2 की फाइनलिस्ट रह चुकी है। उसके अलावा उसने बहुत सारे TV शोज और भी किए हुए, और इवन मैं भी देखा जाए तो मैं भी तांडव में जज करते करते आज मैं IT अवार्ड्स कर दिया मैंने, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जब आप दिखते हो तो बिकते हो, सिंपल सा उदाहरण है। सर कितना अच्छा लगता है जैसा आपने बताया कि जब आपके स्टूडेंट प्रमोट होते हैं, वो हमारे शोज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो आगे भी प्रमोट होते हैं, कितना अच्छा लगता है जो जिन्होंने आप जिनको आपने सिखाया है, जो आपके स्टूडेंट रहे वो आज एक अच्छा मुकाम हासिल करें और आगे जाके आपका भी नाम रोशन करें। सो हाउ इज़ द फील जब आपके स्टूडेंट आपका नाम रोशन करते हैं बाहर के सिटीज में जाके, इवन हम पूरे इंडिया की बात करें तो कितना अच्छा लगता है? ये एक्चुअली क्या होता है कि एक प्राउड मोमेंट होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि वो किसी को 3-4 साल रात दिन एक करके तैयार करता है, और फिर वो चीज़ जब दिखती है ना तो उसे उसका काम दिखता है कि उसने 4 साल कितनी मेहनत की है, जो कि उसका स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो उसके लिए मतलब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है, और वो उसको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता है कि वो क्या मतलब फील कर रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सक्सेस मिलती है, वरना लोग 10-10 साल 16-16 साल तक भी मेहनत करते हैं ना तो भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। जो हम लोग 3-4 साल में अचीव कर गए ना, तो हमारे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है वो। बिल्कुल सही बात है। सर इस बार हमने देखा है तांडव 4 में एक नई चीज़ हो रही है जो हमने पिछले सीजन्स में नहीं देखी, दैट इज पहले हर सिटी के लिए एक अलग अलग डेट डिसाइड की जाती थी और वहाँ अलग अलग ऑडिशंस होते थे, बट अभी एक डेट पे दो दो तीन तीन सिटीज़ में भी ऑडिशन है, तो सर ये कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छा लगा जो हमारे प्रोड्यूसर सर महेश सिंगर जी लेके आए हैं? ये है ना एक्चुअली ना ऐसा लग रहा है 5G चल रहा है, क्योंकि देखो अभी क्या होता था, हम एक संडे ऑडिशंस रखा और सारी टीम हम लोग एक ही जगह पहुंच जाते थे,
फिर दूसरी जगह, ऐसे हम अगर 10 सिटीज़ में भी ऑडिशन रखते थे तो हमारे को 2-3 महीने तक ऑडिशन ही चलते रहते थे। पर यहाँ पे हमारा समय की बहुत ज़्यादा बचत हो गई, क्योंकि क्या होता है, धार का बंदा रतलाम नहीं आ सकता, रतलाम का बंदा इंदौर नहीं आ सकता, सब लोग अपनी सिटी में ऑडिशंस दे सकते हैं, पर अगर वो ग्रैंड फिनाले में जाते हैं तब तो वो फिर मुंबई, दिल्ली, आगरा, जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाता है बंदा। पर अभी ऑडिशंस के लिए क्या होता है कि ये सबसे बहुत बेस्ट आइडिया लगा मुझे कि हम सारे जजेस को हम लोगों ने डिवाइड किया, हमारी टीम डिवाइड की, और हम एक ही तारीख में 3 से 4 ऑडिशन कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 3-4 सिटीज़ कवर करेंगे, जिससे हमारा टाइम बहुत सारा बच जाएगा, सभी का टाइम बचेगा, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। टाइम बचा मतलब कि बहुत बड़ी बात है। अगर हम हमारे प्रोड्यूसर सर की बात करें तो टाइम भी बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं, टीम को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। उनके लिए सर अगर आप कुछ कहना चाहें लास्ट? उनके लिए बस एक ही शब्द बोलूँगा कि यार थैंक यू सो मच सर, आप हमें मतलब इस लायक समझा कि हम इस सीट पर बैठ के कुछ बोल पा रहे हैं, हम जज कर पा रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम तांडव में जब मैंने फर्स्ट सीज़न किया था, तो जितनी अभी बात कर रहा हूँ ना, मैं इतनी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कैमरे के सामने। मतलब मैं एक शब्द भी, डायलॉग भी बोलता था, मेरे को पसीने आ जाते थे कि यार ये कैसा, मैं बोलता सर मेरे से नहीं हो पाएगा, आप सर रागिनी मैम से करवा लो या दिनेश सर से करा लो, सर ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन सर ने बोला अरे सर करोगे आप, वैसे कैसे नहीं। और देखो आज मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी यहाँ पे क्या मतलब कोई भी बड़े बड़े कैमरे के सामने भी आप खड़ा कर दो तो अपन वाट लगा डाले। सेम अप्लाइज टू मी, मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ था। सर एट लास्ट कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी T4 में पार्टिसिपेट करने वाले, या जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब आने वाले टाइम के लिए ग्रैंड फिनाले के लिए, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या मैसेज आपकी तरफ से थ्रो करना चाहते हैं? जो लोग मतलब मैं सभी को ऑल द बेस्ट बोलूँगा, और जो सिलेक्ट हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि कॉन्ग्रेट्स कि आप नेक्स्ट राउंड में गए, और अच्छी मेहनत करना ताकि आप फाइनल में जा पाओ। और जिन्होंने ऑडिशन नहीं दिया है उनको बस बोलूँगा कि आओ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोहित मेरे सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेलिंग अस सो मैनी थिंग्स। अब बस लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि आजकल मैं कुछ बहुत अच्छी अमेजिंग रील्स बनाता हूँ, तो जो भी मुझे देखना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम रोहित अमेरिया 50, रोहित अमेरिया 50, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हैं आपके जजेस को यहाँ पर इंस्टाग्राम पे। बट हाँ, लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू पर्सन जो अभी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी भी ये शो से जुड़ना चाहते हैं आने वाले टाइम में, सो बहुत सारी सिटीज़ में हमारे ऑडिशन कंडक्ट होने वाले, यू कैन कॉल अस ऑन अगर आपकी कोई भी क्वेरी, सो 9926072727। सो यहाँ पर इतना अच्छा शो किया, इतना अच्छा सेगमेंट किया, आई थिंक आप सभी तक सारी चीज़ें पहुँच गई होगी। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, जब तक जुड़े रहिए T4 तांडव द डांस रियलिटी शो से। आ रहा है तांडव द रियलिटी शो का सीजन 4 आपके अपने राज्य मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में।